पूछो तो कौन? वही जिसे देखे बगैर ना मेरी सुबह होती है ना मेरी शाम। तुम बात क्यों नहीं कर रहे थे मुझसे? दुख से बात से ज्यादा बढ़ जाए ना तो अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। मामू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्ते का पास ना होता तो उन्हें बताता कि अल्तमश कौन है। मेरा दिल जानता है कि अल्तमश कौन है। मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं। ये दो दिन कयामत जैसे थे तुम्हारे बगैर। तुमसे दूर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मामू का फैसला नाकाबिले कबूल है मेरे लिए। बाबा का फैसला मेरी जिद के आगे रेत की दीवार जैसा है। मुझे जिंदगी में सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो रुतबा, तुम मामू को इतना नहीं जानती जितना रौनक खाला और माँ जी जानती है। एक बार मामू जिद पर आ जाए ना तो किसी रिश्ते किसी मोहब्बत का पास नहीं रखते। बाबा ऐसे नहीं है अल्तमश। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मेरी हर जिद मानते हैं। तुम देखना, मैं उन्हें समझाऊंगी, वो समझ जाएंगे। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, ये मेरा फैसला है। नहीं जाऊंगी। हम इसी साल शादी करेंगे और मामू को ये बात मानना होगी। मानेंगे। और अगर मामू ने इनकार किया तो हम उन्हें बताए बगैर निकाह कर लेंगे। अल्तमश, ऐसा कैसे हो सकता है? हम बाबा को बताए बगैर निकाह कैसे कर सकते हैं? बाबा नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम बाबा को जानते हो, हम ये नहीं कर सकते ना। तुम भी तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना। एक बार जो ठान लो करके रहता हूँ। मेरी जिंदगी नहीं गुजर रही तुम्हारे बगैर। तुम्हारा साथ चाहिए मुझे हर हाल में। मामू की नाराजगी, मामू का गुस्सा सब बर्दाश्त कर लूंगा मैं, बस तुम्हारा साथ चाहिए मुझे।